नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद सहारनपुर देवबंद नगर के मेन बाजार में स्थित राजकुमार वर्मा की सर्राफा की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी एक ज्वेलर सहित तीन को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों से 50,000 रुपए की नकदी और भारी मात्रा में चोरी हुई चांदी का सामान बरामद किया है। बृहस्पतिवार को SP देहात सूरज राय ने कोतवाली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 17 अक्टूबर को देवबंद के मेन बाजार में स्थित सर्राफा राजकुमार वर्मा की दुकान के छत के रास्ते घुसे चार चोरों ने चैनल काटकर दुकान के अंदर से नकदी और आभूषण चोरी किए थे। इस मामले में देवबंद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ज्वेलर सहित तीन अभियुक्त कदीम उर्फ पादू मोहल्ला गुज्जरवाड़ा हुसैन मोहल्ला खानखा और प्रवीण कुमार ज्वेलर्स टीचर कॉलोनी देवबंद को मुखबिर की सूचना पर नगर के राजकीय डिग्री कॉलेज के निकट से गिरफ्तार किया है। उनका एक साथी रहमान निवासी ननहेडा गाजी थाना गागलहेडी फरार हो गया, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SP सूरज राय ने बताया कि आरोपियों के पास से 50,000 रुपए की नकदी और चोरी किए गए चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने देवबंद पुलिस की इस बड़ी सफलता पर पुलिस टीम की सराहना की। इस मौके पर इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित, रेलवे पुलिस चौकी प्रभारी विपिन त्यागी, अजय कुमार, संदीप भाटी, अमित कुमार, दीपक कुमार, रणजीत सिंह और शुभम कुमार आदि मौजूद रहे। 17 तारीख को देवबंद से सूचना मिली कि मेन बाजार में अर्पण ज्वेलर्स एक सुनार की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, उस पे ऊपर से चढ़ के छत से चार ताले तोड़ के और चोरी की घटना पारित की गई है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए देवबंद थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी अधिकारियों के द्वारा और थाने की पोस्ट के द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया और हम लोग ने टीम गठित कर दी इस घटना के परिणाम के लिए। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 48 घंटे के अंदर थाना देवबंद पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण ही नहीं किया है, बल्कि लगभग 100% बरामदगी की है और जितना इसमें कैश गया था पूरे कैश की पूरी बरामदगी है और इसके साथ जो ज्वेलरी ली थी लगभग 90% ज्वेलरी की बरामदगी है। इसमें दो अभियुक्त चोरी करने वाले और एक जो कि रिसीवर ऑफ स्टूडेंट प्रॉपर्टी था, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इनको गिरफ्तार करके और कारागार घोषित किया गया। सर, इसमें लगभग कितना कैश और कितना सामान बरामद हुआ है, लगभग कितनी कीमत का? देखिए, लगभग 3 लाख का इन्होंने बताया था कि चोरी हुई है कैश और सामान मिला के, और जैसा कि मैंने आपको बताया 90% इसकी बरामदगी हो गई है। सर, इसमें गिरफ्तार एक अभियुक्त है, बताया जा रहा है कि जो मोबिन काला उसका भाई है, जो पहले कई लूट में शामिल रहा देवबंद से। देखिए, इन सब बिंदुओं पर विवेचना जारी है और इसमें और पड़ताल की जाएगी, जैसी भी चीज़ें होंगी विवेचना में उसको इंक्लूड किया जाएगा। पुलिस ने कुछ इनाम की भी घोषणा की है। अधीक्षक महोदय ने इस गुटवर्क के लिए 25,000 रुपये का इनाम यहाँ पुलिस टीम को दिया है। इस घटना का जितनी जल्दी सफलनामा और पूरी बारामदगी होगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।